हेलो गाइस, वेलकम टू दी एजुकेशन क्लब। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी वर्ष का पहला दिन है। साल में अभी 364 दिन और हैं, लीप वर्ष में यह 365 दिन है। आज ही के दिन 1515 में यहूदियों को ऑस्ट्रिया के लाइबास क्षेत्र से निष्कासित किया गया। आज ही के दिन 1651 में चार्ल्स द्वितीय स्टुअर्ट स्कॉटलैंड के राजा बने। आज ही के दिन 1600 में स्कॉटलैंड में 25 मार्च के बजाय 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1664 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत अभियान शुरू किया। आज ही के दिन 1785 में डेली यूनिवर्सल रजिस्टर टाइम्स ऑफ लंदन का पहला अंक प्रकाशित हुआ। आज ही के दिन 1808 में अफ्रीकी देश सियेरा लियोन ब्रिटिश उपनिवेश बना। आज ही के दिन 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। आज ही के दिन 1877 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी। आज ही के दिन 1880 में देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1906 में ब्रिटिश सरकार ने भारत मानक को स्वीकार किया। आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसर ए हिंद से सम्मानित किया। आज के दिन 1928 में अमेरिका में पहला एयर कंडीशन कार्यालय सैन एंटोनियो में खुला। आज के दिन 1949 में कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई। आज के दिन 1950 में अजयगढ़ का राज्य भारत संघ में मिला। आज के दिन 1955 में भूटान ने पहला डाक टिकट जारी किया। आज ही के दिन 1971 में टेलीविज़न पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंध किया गया। आज ही के दिन 1978 में बम्बई में एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 विमान हादसे में 213 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1985 में लीबिया सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य घोषित किया गया। आज ही के दिन 1992 में भारत और पाकिस्तान ने पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली की तथा डॉक्टर बूतरोस घाली ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यभार ग्रहण किया। आज के दिन 1993 में चेकोस्लोवाकिया का 2 स्वतंत्र गणराज्यों चेक एवं स्लोवाक के रूप में विभाजन हुआ। आज के दिन 1994 में उत्तरी अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता बना। आज के दिन 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। आज ही के दिन 1996 में सिंगापुर एशिया में जापान के बाद दूसरा विकसित देश बना। आज ही के दिन 1997 में भारत बांग्लादेश के मध्य जल बंटवारे की संधि प्रभाव में आई। आज ही के दिन 1999 में यूरोप के 11 देशों में सांझी मुद्रा यूरो का प्रचलन प्रारंभ हुआ। आज ही के दिन 2000 में न्यूजीलैंड से 860 किलोमीटर पूर्व ईशा में स्थित मोरी ओरी चैट हैम द्वीप पर सहस्राब्दी की प्रथम किरण पड़ी। आज के दिन 2001 में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध कोर्ट के गठन के लिए रोम संधि पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इसराइल के हस्ताक्षर हुए तथा कलकत्ता का नाम आधारिक तौर पर कोलकाता हुआ। आज के दिन 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान को मोहलत दे तथा ब्रिटेन ने पाक की कार्रवाई को अपर्याप्त माना। आज के दिन 2004 में चेक राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। सार्क देशों ने दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने वाली साफ्टा संधि और सार्क आतंकवादी विरोधी संधि को मंजूरी दी। आज के दिन 2005 में इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुनः भूकंप के झटके। आज के दिन 2006 में दक्षिण देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा लागू हुआ। आज के दिन 2007 में विजय नाम्बियार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए। आज के दिन 2008 में भारत ने सार्क में बांग्लादेश सहित एलडी देशों के निर्यात पर 1 जनवरी 2008 से शुल्क मुक्त पहुंच
प्रदान करना प्रारंभ किया। आज के दिन 2008 में उत्तर प्रदेश में मूल्य वृद्धि कर वैट लागू किया गया। आज के दिन 2008 में भूटान के इतिहास में पहली बार चुनाव में जीते नेशनल काउंसिल के 15 प्रतिनिधियों के नाम की घोषणा की गई। आज के दिन 2009 में केंद्र सरकार ने सैन्य कर्मियों के लिए वेतन आयोग के गठन के साथ ही 12,000 लेफ्टिनेंट कर्नल और नौसेना वायुसेना में उनके समकक्षों को ऊँचे वेतन देने का फैसला किया। आज के दिन 2009 में उत्तर प्रदेश कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव माथुर ने आईबी के निदेशक पद का कार्यभार संभाला। आज के दिन 2009 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक नाइट क्लब में आग लगने से 61 लोगों की मौत हुई। आज के दिन 2013 में उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में महात्मा गांधी जन कल्याण समिति के सचिव अशोक कुमार शुक्ला ने गांधी भवन में एक प्रार्थना कक्ष स्थापित कराया तथा सर्वोदय आश्रम टंडी यामवा के सहयोग से सर्वधर्म प्रार्थना का नियमित आरंभ कराया। आज के दिन 2013 में अंगोला के लुआंडा में भगदड़ में 10 लोगों की मौत और 120 लोग घायल हुए। 1 जनवरी को जन्मे व्यक्ति। आज के दिन 1979 में डिंको सिंह जी का जन्म हुआ जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हैं। आज के दिन 1978 में विद्या बालन जी का जन्म हुआ जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। आज के दिन 1978 में तनीषा जी का जन्म हुआ जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। आज के दिन 1975 में सोनाली बेंद्रे जी का जन्म हुआ जो कि हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। आज के दिन 1971 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जन्म हुआ जो कि ग्वालियर राजघराने के स्वर्गीय माधवराज सिंधिया के पुत्र हैं। आज के दिन 1961 में एन बीरेन सिंह जी का जन्म हुआ जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। आज के दिन 1953 में सलमान खुर्शीद जी का जन्म हुआ जो कि राजनीतिज्ञ हैं। आज के दिन 1952 में उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ जो कि हिंदी कथाकार व उपन्यासकार रहे। आज के दिन 1951 में नाना पाटेकर जी का जन्म हुआ जो कि हिंदी व मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता हैं। आज के दिन 1950 में दीपा मेहता जी का जन्म हुआ जो कि निर्देशक और पटकथा लेखक रहे। आज के दिन 1950 में राहत इंदौरी जी का जन्म हुआ जो कि प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं गीतकार हैं। आज के दिन 1943 में रघुनाथ अनंत माशेलकर जी का जन्म हुआ जो कि भारतीय वैज्ञानिक हैं। आज के दिन 1941 में असरानी जी का जन्म हुआ जो कि भारतीय हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता हैं। आज के दिन 1937 में काशीनाथ सिंह जी का जन्म हुआ जो कि प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आज के दिन 1936 में शकीला जी का जन्म हुआ जो कि हिंदी सिनेमा में सन 1950 से 60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। आज के दिन 1934 में कीर्ति चौधरी जी का जन्म हुआ, तीसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री थी। आज के दिन 1920 में मनीराम बांगड़ी जी का जन्म हुआ जो कि समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध भारतीय नेता। आज के दिन 1914 में शरद चंद्र सिन्हा जी का जन्म हुआ था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री थे। आज के दिन 1914 में नूर इनायत खां जी का जन्म हुआ जो कि भारतीय राजकुमारी रही। आज के दिन 1914 में अद्वैत मलबर्मन जी का जन्म हुआ जो कि प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे। आज के दिन 1894 में प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस जी का जन्म हुआ था जो कि प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक थे। आज के दिन 1892 में महादेव देसाई जी का जन्म हुआ था जो कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। आज के दिन 1890 में संपूर्णानंद जी का जन्म हुआ था जो भारत के प्रसिद्ध राजनेता थे। आज के दिन 1885 में शशि भूषण रथ जी का जन्म हुआ था जो कि उड़िया पत्रकारिता के जनक और स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के दिन 1875 में हसरत मुहानी जी का जन्म हुआ था जो कि लखनऊ के प्रसिद्ध शायर थे। 1 जनवरी को हुए निधन। आज के दिन 2008 में प्रताप चंद्र चंदर जी का निधन हुआ जो कि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं लेखक थे। आज के दिन 1983 में डी एन खुरोदे जी का निधन हुआ जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिन्होंने भारत के दुग्ध उद्योग में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आज के दिन 1955 में शांति स्वरूप भटनागर जी का निधन हुआ जो कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आज के दिन 1940 में पानू
घंटी लक्ष्मी नरसिंह राव जी का निधन हुआ, जो कि प्रसिद्ध तेलुगु लेखक थे। आज के दिन 1933 में हेमचंद्र दास गुप्त जी का निधन हुआ, जो कि भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।